हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप स्कॉलरशिप बीए बीएससी और आईटीआई की किस तरह से ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों, हमने जिससे पहले आपको बताया था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का स्कॉलरशिप किस तरह से ऑनलाइन करेंगे, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी दोस्तों कि बीए बीएससी का स्कॉलरशिप ऑनलाइन करना हमें ज़रूर दिखाएं, एक बार वीडियो बनाएं उसकी, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो पहले से ही कर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों हमें एक बार लॉगिन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें भी फिल कर दे रहा हूँ और फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे को जाना होगा। नीचे को जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैंडिडेट की जो DOB है वो आपको इसमें एक बार फिल करनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर DOB फिल की और उसके बाद दोस्तों जो आपका कैप्चा कोड होता है, यानी सॉरी दोस्तों पासवर्ड होता है जो आपने बनाया था, वो पासवर्ड आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा कोड को आपको इसमें फिल करना होगा जो 865, ठीक है ना। और इस पर सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो दोस्तों कैप्चा कोड हमारा गलत हो गया, दोबारा से फिल करना होगा एक बार। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो सारा डिटेल फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टेप हैं कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है थ्री डॉट का, इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक आपको ग्रीन कलर का छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फॉर्म है वो फिल करना होगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होगा, BA BSc किस कौन सी स्कॉलरशिप करना है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो सके। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, आपको जो बैचलर ऑफ साइंस इस पर सेलेक्ट करना होगा, BSc कर रहे हैं तो आप, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, पर कोई नहीं दोस्तों, आपको जानकारी है वो आपको पूरी की फुल मिलने वाली है। तो उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपके जो पाठ्यक्रम का अवधि वर्ष है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे को जाना होगा, क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नो कर देना होगा और देवा छात्र पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं बहुत जल्दी बताना होगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी खिंचने वाली है आज की। दोस्तों यहाँ पर आपको डेट है 1/4, ठीक है ना दोस्तों, 1/4/2022 इसमें फिल करना होगा। और दोस्तों इसमें भी आपको 1/7/2022 फिल करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। और नीचे दोस्तों जो पंजीकरण संख्या होती है हमारी, जो आप वेब रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो मिलती है वो इसमें भरना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वेब रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है दोस्तों हमारा, जैसे 22/13/12/29, ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन को हम फिल करेंगे। दोस्तों हमारा जो न्यू यूनिवर्सिटी अब की हमारी सेलेक्ट हुई है अलीगढ़ की, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है ना। और दोस्तों क्या व्यवसाय, यहाँ पर भी आपको नो करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना होगा। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब दोस्तों आपको जो डाटा है ये वाला हाई स्कूल का डाटा आपको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आपने हाई स्कूल कौन सी वर्ष में की वो यहाँ पर आपको डाटा फिल करना होगा। दोस्तों इंटरमीडिएट कौन सी वर्ष में की है वो भी आपको इसमें फिल करना होगा। तो दोस्तों आपका हाई स्कूल का पूर्णांक होता है 600 का और इंटरमीडिएट का होता है दोस्तों 500 का, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हाई स्कूल में आपके प्राप्तांक कितने हैं, जैसे कि 436, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सारा प्राप्तांक है इनका डाल देना होगा और यहाँ पर इनकी प्रतिशत है वो भी आपको इसमें फिल भरनी होगी, ठीक है ना दोस्तों, इसमें प्रतिशत भी आपको भरनी होगी। तो जैसे कि दोस्तों मैं अभी दोनों क्लासों की प्रतिशत है वो भर देता हूँ। तो दोस्तों आपको एक एरर देखने को मिलता है, जो एरर आता है दोस्तों ज़्यादातर एक एरर आता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उस एरर का सॉल्व क्या है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एरर मिलेगा, विद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी बोर्ड क्रमांक डाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस एरर की वजह से आया था दोस्तों, यहाँ पर आपको डालना होगा UPBOARD, ठीक है ना दोस्तों। नीचे को भी आपको इसी में फिल करना होगा UPBOARD और इसमें करने के बाद दोस्तों आपको इस कैप्चा कोड पर फिल करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कैप्चा कोड पर फिल कर लेता हूँ एक बार और यहाँ चेक बॉक्स पे चेक करना होगा और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा वैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आगे का प्रोसेस है वो बढ़ चुका है, आपको यहाँ पर तीसरे स्टेप पर मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो आपका ग्रामीण एरिया का जो पता है अपने ग्राम का जो भरना होगा, ठीक है ना दोस्तों।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरा अपना पता है वो भर देंगे। दोस्तों वीडियो आज लंबी होने वाली है, पर वीडियो कोई नहीं दोस्तों, आपको जानकारी है मैं पूरी देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड के लिए आपको यहाँ पर 00 कर देना होगा। जब आपका राशन कार्ड आप जब प्रिंटआउट चेक के लिए भेजें तो आप उसमें फिल कर देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। संशोधन बाद में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है दिव्यांग हेतु विकलांग में, ठीक है। और नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इस आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा दोबारा से। तो 152 इसमें सेलेक्ट करना होगा और आपको दोस्तों इस पर अपडेट कर देना होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पेज और नया आपके सामने बढ़कर आ जाता है बैंक का। तो दोस्तों आपकी कौन सी बैंक है वो आपको इसमें एक बार सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो या तो आप इसमें जैसे हमारी एक यूनियन बैंक है तो यहाँ पर आ चुकी है, तो उसको मैं अभी सेलेक्ट कर देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो ब्रांच है कहाँ पर है वो भी आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना दोस्तों, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद दोस्तों ब्रांच कहाँ पर है वो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा एक बार। तो जैसे कि दोस्तों मैं ब्रांच को सेलेक्ट करूंगा और वैसे ही ऑटोमेटिक IFSC कोड है वो भर जाएगा, आपको सिर्फ अकाउंट नंबर भरना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर है व्यक्ति का वो एक बार इसमें फिल कर देता हूँ। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, कोई नहीं दोस्तों, जानकारी आज को पूरी एक बार बिना एरर आए हुए मैं आपको BA BSc का स्कॉलरशिप ऑनलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको जो बैंक है दोबारा से सेलेक्ट करनी होगी, दोस्तों कैंडिडेट की बैंक है वो दूसरी हो चुकी है अभी। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर कैंडिडेट का जो अकाउंट नंबर है वो इसमें एक बार फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद दोस्तों आपको सीधा सा जाना होगा नीचे की ओर, दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम दोबारा से भी इसमें फिल कर देते हैं कैंडिडेट का अकाउंट नंबर, और नीचे को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों छात्र छात्रा का बैंक पे नाम क्या है वो आपको इसमें एक बार फिल करना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर जो सब कुछ डिटेल फिल कर दी है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 6 कैप्चा कोड फिल करना क्लिक करना होगा और अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक पेज और नया हमारे सामने आ जाता है, जो आपका जो फीस होता है दोस्तों कितना जमा है, ठीक है ना दोस्तों, तो आपको इसमें फिल करना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर 5 ईयर फिल किया और दोस्तों 359 इस कैप्चा कोड को भी फिल कर दिया, और उस सबमिट पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे स्टेप हैं वो पूरे कर लिए हैं, और एक स्टेप हमारा अभी रह गया है जो है दोस्तों आपकी गत वर्ष का। तो इसमें यहाँ पर वार्षिक प्रणाली करेंगे और वार्षिक प्रणाली और नीचे को जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गत वर्ष का प्राप्तांक, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि आपका जो गत वर्ष होता है इंटरमीडिएट का बनेगा BSc का दोस्तों, ठीक है। तो 360 बना हमारा इसका, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर पूर्णांक दोस्तों 500 का, नीचे ऑटोमेटिक इसकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। तो दोस्तों ये कौन सी विद्यालय से इन्होंने ये किया है उस विद्यालय का यहाँ पर इसको इनको एक बार नाम है वो फिल करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मैं इसमें विद्यालय का नाम है वो फिल कर देता हूँ एक बार। दोस्तों सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों फिर हम एक बार अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट को करने के बाद दोस्तों आपको बोलेगा अब हमारा जो फोटो तक अपलोड हो चुका है। दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको हमको फिर से होम पर जाना होगा। होम पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपका फोटो अपलोड करना होगा। तो इस 3 डॉट पे फिर क्लिक करेंगे, फोटो वाला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों इस पर हम फोटो अपलोड है वो कर देते हैं अभी। तो जैसे कि दोस्तों हमने फोटो पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ पर भी हमारा फोटो है डाउनलोड उस पर हम ऑटोमेटिक यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर जो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों फोटो अपलोड है वो जो हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो देखें, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, फिर दोबारा से हमको होम पर जाना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि हम होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफिकेशन होने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों इनकम और आपकी कास्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से वो ओपन होकर हमारा पेज आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आय एवं जाति प्रमाणीकरण का हमको जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है, देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारी वेबसाइट साइड प्रॉब्लम करती है। तो एक बार मैं जल्दी से इसको ये भी पूरा कर देता हूँ।
दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डाटा फिल किया, सबमिट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर वेरीफाई इनकम के लिए डिटेल बोलेगा। दोस्तों पहले क्या था, हमारा इनकम सर्टिफिकेट के नंबर गलत हो जाते थे, तो दोस्तों अब हमारे इनकम सर्टिफिकेट के नंबर और जाति के कोई भी नंबर हैं वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों अब ऑटोमेटिक वेरीफाई हैं वो हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अब जाति प्रमाण पत्र रह गया है, वो भी इसमें भी फिल कर देते हैं हम। दोस्तों जाति के नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जाति है वो सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी जाति से अपना आवेदन है वो कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने अपनी जाति को सेलेक्ट किया फिर से, और यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देते हैं और फिर सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड कास्ट डिटेल का भी ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह प्रकार से अपने अपने डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड वेरीफिकेशन की। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रमाणीकृत आधार नंबर डालें, ठीक है ना दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे, अब हम अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे एक बार सारे नंबर डालने के बाद। दोस्तों हमने यहाँ पर अपना नंबर फिल कर दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना कैप्चा कोड और उसके बाद दोस्तों वेरीफाई पे हम क्लिक कर देते हैं एक बार। तो आधार कार्ड को भी हमें अभी प्रमाणीकरण वो कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा प्रमाणीकरण हो चुका है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्लिक करना होगा, यानी अपने OTP के द्वारा हम वेरीफाई करते हैं। दोस्तों पहले क्या था, ऐसा ही हो जाता था, अब OTP हमें भेजना पड़ता है जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो दोस्तों कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके आधार कार्ड पे कौन सा रजिस्टर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 4 डिजिट आपके सामने आ जाते हैं मोबाइल नंबर के, 91 06। तो दोस्तों इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमारे पास मैसेज है वो अभी आ जाता है हमारे मोबाइल पर, तो उसके बाद हम OTP डाल के वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों OTP हमारे पास आ चुकी है और वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP पे हम क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों अगर हमारी OTP बिल्कुल ठीक है तो हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा, तो प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद दोस्तों हमारा वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे बिल्कुल फिर जो ग्रीन कलर का टिक भी लग चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से हमें होम पेज पर है वो जाना होगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रोसेसिंग है अभी चल रही है, साइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है तो इसी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, कोई नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से क्लिक करेंगे वही प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जांच हेतु यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन है ना दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए आपको इस तरीके से आपको देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दोस्तों आपको जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से थोड़ी देर के लिए हमें मोबाइल है वो लैंडस्केप में करना होता है, और ये जांच हेतु प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन खुल गया है, इस पर हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो फिर हमारा मोबाइल वैसे ही वैसे ही में आ चुका है लैंडस्केप में, ठीक है ना दोस्तों। और इस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आपकी जो प्रिंट आउट है निकल कर आ चुकी है। तो ये है हमारा BA BSc का फॉर्म है, ऑनलाइन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं बिना एरर के। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हुई हो इस वीडियो को देखकर, अगर आप अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आप कौन से स्टेप पर भूल रहे हैं, क्या गलती हो रही है, तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके